हमारा लगान करो, गरीबों को शोषण बंद करो, गरीबों को शोषण बंद करो। कौन है ये लोग दीवानशी? क्या चाहते हैं आप लोग? रानी साहिबा, हम लोग किसान हैं। हम बोलिए आप, हमारी मांग है। हमारी मांग? आपने इन्हें अंदर कैसे आने दिया? आज ये लोग मांग लेकर आए हैं, कल को दूसरे लोग आएंगे। रानी सरकार ने जैसा हुक्म दिया। I want silence here. बोलिए आप। हम चाहते हैं बेदखली के शिकार हमारे किसान भाइयों को उनकी जमीनें वापस मिल जाएं और लगान 50% माफ किया जाए। सुन लिया आपने? ये चाहते हैं और ये समझते हैं जैसा ये चाहेंगे वैसा इन्हें मिलेगा भी। देखिए, हम यहाँ शांतिपूर्वक समझाने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे बात करने की? तुम जैसे लोगों के अगर हम मुंह लगने लगे तो हो गई जमींदारी। ये मत समझना कि हमारे इलाके में तुम जैसे कांग्रेसियों की तोड़फोड़ होगी। और आप, आपको खबर थी कि बलवे के लिए भीड़ यहाँ इकट्ठा हो रही है, फिर भी आपने ये इंतजाम किया है। जाइए, जाकर लोगों का इंतजाम कीजिए, तब तक हम संभालते हैं यहाँ सब कुछ। I want silence and order here. And Purohit ji, इधर आपको संभालने की जरूरत नहीं। रानी साहिबा, हमारी आंखों के सामने राजा पृथ्वीपाल सिंह की जमींदारी कौड़ियों के मुंह लुट जाए और हम देखते रहे? नहीं देख सकते आप, तो जाइए यहाँ से। मुझे मालूम जमींदारी कैसे होती। I need your help. I'll call you. Please go now. आप समझ नहीं रही हैं रानी साहिबा, अगर एक बार इन कांग्रेसियों का हमारे इलाके में दखल हो गया तो। प्लीज गो नाउ, मेरे को मालूम मुझे क्या करना है। तू ला गन्ना। सब भिखारी के औलाद हो। ला गन्ना ला। दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। आठ। अबे यहीं से जाएगा ना वो? हाँ हाँ, सबर कर। वो देखो आ रहा है अंग्रेज की औलाद। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। बनिया महाराज धनेश्वर प्रसाद की लायक संतान रमेश्वर प्रसाद जी बड़े बांके बन के निकले हैं हुजूर। कहाँ की तैयारी है? लगता है कहीं शादी ब्याह में जा रहे हो। क्यों? नहीं, दुकान की खरीदारी करने के लिए इटावा जा रहे हैं। अच्छा, इटावा जा रहे हैं आप? हम इटावा जाएं चाहे इटारसी, तुमसे मतलब? मतलब है रमेश्वर भैया, क्योंकि हमें खबर मिली है कि आप शहर विलायती कपड़ा खरीदने जा रहे हैं। हम विलायती खरीदे चाहे देसी, तुमसे मतलब? मतलब है रामेश्वर भैया कि गांधी बप्पा ने जिस चीज का बायकट किया है वही खरीदने शहर जा रहे हो, विलायती कपड़ा। कुछ कुछ झोर झूलो मैं तुम लोगों का, क्या हमारी जो मर्जी होगी हम वही पहनेंगे। मार साले को, साले के पैसे, चल भाग। अरे खत्म कर दिया रे, बचा रे पापा। नमः नमः सूर्यदेवताय नमः। ओम नमः शिवाय, 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 जय सूर्यदेवताय नमः। ओम भास्कराय नमः। राम राम पंडित जी। ठीक है, आप पूजा अर्चना कर लीजिए, हम बैठते हैं। हाँ, अब बताइए साहू जी, घर में सब कुशल मंगल तो है? कुछ कुशल मंगल नहीं है पंडित जी, ठाकुर की बेटी जबन ने अंधेर मचा रखा है। अरे हम तो जा रहे थे थाने रपट लिखाने के लिए, फिर सोचा आपसे बात करते चले। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मगर बात क्या हुई? अरे बात क्या हुई, हमने अपने बेटे को इटावा भेजा कपड़े लाने के लिए, साथ में 200 रुपये भी दिए। रास्ते में 8-10 बदमाश लौंडों ने घेर लिया और उसका सरगना था जबन सिंह। महात्मा गांधी के हुक्म में विलायती कपड़े पहनना बेचना पाप है, ये कहकर राम सिंह को मारा पीटा और रुपए भी छीन लिए। ओफो, ये तो अरे बड़ा अंधेर मचा रखा है इन सुराजियों ने।
ब्रिटिश राज जैसे खत्म ही हो गया है। लेकिन यहाँ सब कुछ नहीं चलेगा, ये तो डकैती है, डकैती। ये तो ज्यादा ही देशभक्ति हो गई साहू जी। आप इसे देशभक्ति कहते हैं? ये देशभक्ति है। अभी हम आ रहे हैं राम सेरु की मरहम पट्टी करा के और जा रहा हूँ थाने रपट लिखाने के लिए। एक एक के हाथों में हथकड़ी डलवा के रहूंगा, क्या समझ रखा है उन लोगों ने। शांत हो जाइए साहू जी, शांत हो जाइए। आपको थाना कचहरी करने की जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ केहर सिंह के यहाँ और सामने बैठ करके सब बातें साफ कर लूंगा। हाँ, आपका रुपया भी आपको वापस मिल जाएगा। और फिर साहू जी, जबर अभी बच्चा है, बस थोड़े से दिनों की बात है, चला जाएगा बाहर पढ़ाई करने के लिए, फिर आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। ठीक है पंडित जी, आप कहते हैं तो ठीक है। मुझे तो 200 रुपये चाहिए और 25 रुपया जो मरहम पट्टी में खर्चा हुआ है वो चाहिए। अब मुझे क्या जरूरत है अदालत कचहरी जाने के लिए, बोलिए। आप चिंता मत कीजिए, आपका रुपया आपको वापस मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम पंडित जी, राम राम। देखो भाई, अब घबराने से क्या होता है, जो होगा देख लेंगे। ठीक है, अब आप लोग जाइए, रात बहुत हो गई है। हाँ, अगली बैठक जो है हम लोग किशनपुर गांव में करेंगे। ठीक है, जाइए आप। अच्छा साधु भाई, हम चलते हैं। जय राम जी। जय राम। और सुन, इसको संभाल के रखना, कल 12 बजे तक में रामगढ़ में सब पर्चे भर जाने चाहिए। तू फिक्र ना कर, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। गनीमत है, पैर ही तोड़े हैं। दोबारा इस इलाके में आने की हिम्मत की तो जंगल में जानवरों के आगे चारा बनाकर डाल देंगे तुम्हें। ले जाओ इसे और ऐसी जगह डाल दो कि दोबारा यहां आने की हिम्मत ना करे। चल आ जा, आ जा, मंडी पहुंचना है। चलो चल जल्दी। चल रख, अरे संभल के। हाँ चल। हाँ पंडित जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। पंडित जी पहला की। जीते रहो जीते रहो। और कहिए कैसे आना हुआ? बेटा केहर, थोड़ा जबर के बारे में बात करनी थी। पंडित जी, आपने ठकुराई ने तो उसको माथा पर चढ़ा के रखा हुआ है, हम उसको प्रयाग नहीं भेजने वाले। हाँ, दिन भर धमा चौकड़ी, कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जिस दिन उसे शिकायत दरवाजे ना आती हो। हर दिन कोई ना कोई शिकायत। अब आप बताइए कि हमारा आँख के सामने उसका ऐसा लक्षण है तो हमसे दूर जाकर कागुल खिलाएगा वो? बेटा अभी उम्र ही क्या है उसकी। हाँ, वो तो मामा के प्रभाव में थोड़ी देशभक्ति घुसाई है दिमाग में। हाँ बेटा, राजयोग है उसमें, हमने उसकी जन्मपत्री बनाई है। अब प्रयाग में जाकर अंग्रेजी पढ़ेगा, ऊंची सरकारी नौकरी, मान सम्मान। लेकिन रहेगा सरकारी नौकरी ना। पंडित जी आप ही तो कहते हैं ना, उत्तम खेती मध्यम व्यापार और नीच नौकरी भीख समान। हमको जबर से चाकरी नहीं करवानी है। देखिए पंडित जी, आपकी दया से गांव का चार आना हिस्सा खरीद लिया है हमने, 200 बीघा कछार वाला जमीन भी मिल गया है हमको। अरे 1000-1200 मन चना तो हो ही जाएगा। पिछली दफा 2000 का मुनाफा हुआ था, इस बार 3000 तो कहीं नहीं गया है। किसानी जमींदारी फैलता जा रहा है, कोई तो होना चाहिए संभालने वाला ना, हम अकेले क्या करेंगे। लेकिन दिक्कत है पंडित जी की, जबरवा का खेती मन लगता ही नहीं है। क्या बात है, आप चुप काहे हो गए? बेटा केहर,
हम तो तुम्हारे भले के लिए जबर को प्रयाग भेजने की बात कह रहे थे। आज सुबह धनेश्वर साहू आए थे हमारे पास। हाँ, क्या हुआ? जबर की शिकायत लेकर। अरे उनको शिकायत था हमारे दरवाजे आते, आपको क्यों उस घसीटा बीच में? जा तो थाने रहे थे लेकिन हमने उन्हें रोक लिया। क्या बात, यहाँ तक पहुँच गया है? कहाँ किया उस हरामखोर ने, बताइए हमको। जबर और उसके दोस्तों ने रास्ते में धनेश्वर साहू के बेटे को पकड़ लिया, उससे 200 रुपए छीन लिए और साथ में मार पिटाई भी कर दी। अब बेटा कहर कोई गलत काम मत कर देना, जबर तुम्हारा बेटा है। हाँ, बदमाश कहीं का बाजे शैतान। कल तुम लोगों ने रमुजी साहू को मारा पीटा, वो विलायती कपड़ा खरीदने इटावा जा रहा था, उसके पास से रुपए छीन तूने। आपकी कमाई का मुनाफा था, छीन लिया हम लोगों ने। कहा रुपए निकाल, निकाल कहा रुपए? बटिया बांधा सेना के सिपाहियों में। तू बदमाश, तू डकैती करेगा, तू अपराधी बनेगा, तू अपराधी बनेगा। अबे तू हट, हट तू, फिर करेगा तू ऐसा, फिर करेगा ऐसा तू? बोल, जान ले लो हमारी, मगर गांधी बाबा की बात मरते दम तक दोहराएंगे। वंदे मातरम। अबे नालायक बाजी, नालायक बस, नालायक। बाप हो के कसाई, जान लोगे इसकी? जाओ इधर से, जाओ। कौन जरूरत है राधे को विदेश जाने की? यहाँ किस बात की कमी है हमारे बेटे को? अरे घर से बाहर पैर निकालो तो तुम्हें दुनिया दिखे दुलारी रानी। पलंग पे बैठे बैठे क्या करती हो तुम? चाहती क्या हो कि तुम्हारा राधे चौक के किसी दुकान पे बैठ के महाजनी करे? अरे हम कहाँ कहते हैं कि राधे दुकानदारी करे, हम तो बस इतना जानते। कुछ जानती होती तो पकड़ पकड़ करके हमारा दिमाग खराब नहीं करती। जितने काबिल खानदान के लोग हैं सबके बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। अरे हमारा राधे इंग्लैंड से पढ़ के जब लौटेगा तो तुम देखो। तो जो करना है आप करिए, हमें बस अकेला छोड़ दीजिए। ना कभी आपने हमारी बात सुनी है, ना कभी उससे। अरे दुलारी, हम तो बस इस घर में नाम के लिए हैं। दुलारी, दुलारी, राधे तुम्हारा बेटा है, है? और जब दुनिया में नाम करेगा तो किसका नाम होगा? दुलारी तुम्हारा ही नाम होगा ना। दुलारी समझा करो। कैसी है तेरी? बिल्कुल ठीक ठाक अम्मा, बस गांव का एक चक्कर लगा के आऊं तो तबीयत एकदम हरी हो जाए। जबर एक मिनट। माँ मैं बस थोड़ी देर में आया। जबर बात सुनी कि नहीं? क्या बात है अम्मा, ये बच्चा किस लिए? इसमें तेरे कपड़े हैं। मेरे कपड़े? हाँ, और इसमें 20 रुपए हैं तेरे रास्ते के खर्च के लिए। एक चिट्ठी है और 100 रुपए अलग से, अपने मामा को दे देना। अगर अम्मा तू आगरा जा रहा है अपने मामा के पास। क्यों? तो यहाँ रह के क्या करेगा बता? आवारागर्दी करेगा, लोगों को लूटेगा। जरा अपना खून साफ कर बेटे, इस गांव से बाहर जा। तू देख, तुझे दूर भेज के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसी में तेरी भलाई है बेटे। अब चाहे तुझे ये अच्छा लगे या ना लगे, तुझे ये गांव छोड़ के जाना है अभी इसी वक्त। मेरे लिए नहीं रहना तुझे यहाँ। बाजी से मिल लूं? नहीं, वो भी घर में नहीं है, मैं उनको बता दूंगी। मैं चाहती हूँ तू उनके आने से पहले यहाँ से चला जाए। बेटा, जब तक तू जबरा से जबर सिंह ना बन जाए, तब तक इस घर में वापस कदम मत रखना। नहीं बेटे, नहीं तो मुझे कमजोर मत कर।
जाती जैबू बेगम, तुम भी हमें राजनीति के फेर में ना उड़ो। अच्छा, वैसे एक बात है लाला, सेठ जी बिल्कुल सही कहते हैं, आपको गुड़ और तेल के अलावा कुछ सूझता नहीं है। अच्छा, तो आप ही हमें कुछ सिखाइए। अच्छा। अरे बेटा, जी बाग में घूमने आए थे। घूमने आए थे या सिगरेट फूंकने आए थे? अच्छा, तो यही हैं आपके साहबजादे। सलाम, हम ज़ैबुन्निसा बेगम हैं। जी, बहुत कुछ पता है आपके बारे में। यही तहजीब सीखी आपने यूनिवर्सिटी जाके? जरा सा यही तहजीब सीखी? अजनबियों से बात करने का ये तरीका? लो इसे, रख लो, रखो, और माँ को मत बताना। बेगम हूँ, शर्मिंदा हूँ, बल्कि इस तरह बड़ा होनहार बच्चा है, बहुत नेक है राधे बेटा। नहीं नहीं दीजिए लाला जी, एक बात बताएं हम आपको, ये गुड़ और तेल से बहुत आगे जाएगा। अब दुनिया चाहे जो कहे, एक हम राधे के और एक आपके दीवाने। जी लाला जी, अब चले। आइए चलिए। अब आ रहे हैं घूम के साहबजादे, कहाँ कहाँ घूम कर आ रहे हो आज? क्या बात है राजा बेटे, तबीयत ठीक नहीं है? तेरे पिताजी भी घर पर नहीं है आज। अम्मा, पिताजी कहाँ गए? अरे चुनाव के सिलसिले में कोई बैठक थी, उसी में गए होंगे। सुबह से गए हैं, अभी तक वापस आए नहीं। लेकिन उनकी छोड़, तू अपनी बता, तू कहाँ गया था? वहीं जहाँ पिताजी गए थे। अच्छा, तू भी चुनाव की बैठक में गया था? मैं तो आराम बाग गया था अपने दोस्तों के साथ घूमने। वहां देखा पिताजी की चुनावी बैठक किसी और के साथ खुलेआम चल रही है। किसके साथ? कौन थी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अम्मा इतना ध्यान रख लो, चुनाव के दिन नजदीक हैं, किसी को भी इस बात की खबर तक लग गई तो मुद्दा बनाकर उछालेगा। बस औरत के बीच में हो रहा है बातचीत। निकल गई किसान सभा की एकड़ी। किसान हो किसानी करो, और वैसी ही किसानी करो जैसी आज तक होती आई है। क्यों बे, खेती किसानी से मन भरा है कि नेतागिरी बता रहे हो? थाने गए थे ना हमारी शिकायत लेकर, अब थानेदार खुद आए हैं तुम्हारी शिकायत सुनने। बांधो सालों को, इन्हें थोड़ा दूर ले जाकर मारना, यहाँ ये शहीद माने जाएंगे और हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। राजा जी, राजा जी, बात क्या सरकार? हमारे लिए अच्छी खबर, छोड़ दो इन्हें। सरकार में समझा नहीं, हमारे यहाँ फिर से संतान पैदा हुई है, हम तीसरी बार बाप बने, जाने दो इन्हें। इन्हें छोड़ना मुनासिब होगा क्या महाराज? आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है थानेदार साहब, हम इन्हें बख्शते हैं, हमारे बेटे का जन्मदिन इन्हें जिंदगी भर याद रहेगा।